नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भालचंद्र। ब्रह्मांड सिद्ध एस्ट्रो में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वृषभ लग्न के लिए आर्थिक स्थिति जो कुंडली में है वो किस प्रकार से आप देख सकते हो। मतलब कई दफा ये प्रश्न पूछा जाता है कि कुंडली में आर्थिक जो स्तर है वो किस प्रकार का है, निम्न स्तर का है, मध्यम है या फिर उच्च स्तर का है, या फिर दूसरा भी एक टर्म है जिसे हम राजयोग कारक कुंडली कहते हैं। तो उसी के बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे कि कौन से जो ग्रह है वो वृषभ लग्न के लिए सबसे महत्वपूर्ण होते हैं आर्थिक स्तर के लिए, या फिर कुंडली राजयोग कारक कहलाने में ऐसे कौन से ग्रह है जो कि सबसे महत्वपूर्ण जो भूमिका है वो निभाते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो, ये जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है, क्योंकि प्रथम भाव में वृषभ राशि है या फिर वृषभ राशि का जो अंक है निदर्शक दो अंक वो यहाँ पे लिखा गया है। तो ये जो कुंडली है वो वृषभ लग्न की कुंडली है। वृषभ लग्न के लिए तीन जो ग्रह हैं वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाते हैं, जैसे कि 2, 5, 8, 11। इस स्थान की जो अधिपति है वो बुध और गुरु है। तो बुध और गुरु की जो प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके बाद राजयोग कारक जो ग्रह है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसे कि हम चर्चा पहले तो यही करेंगे कि जो महत्वपूर्ण ग्रह है या फिर आर्थिक स्तर पर जो महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है बुध गुरु, अगर बुध गुरु जो ग्रह है वे यदि आपके 2, 5, 8, 11 इस स्थान में रहेंगे, मतलब बुध और गुरु यदि आपके 2, 5, 8, 11 स्थान में रहेंगे, तो फिर आपके आपके कुंडली का जो आर्थिक स्तर है वो काफी ठीक है। उसी प्रकार बुध और गुरु की युति केंद्र कोण में कहीं पर भी हो, मतलब यह जो केंद्र स्थान है 1, 4, 7, 10 या फिर 5 और 9 इस स्थान पर यदि बुध गुरु की युति होगी तो कुंडली का जो स्तर है वो और भी अच्छा माना जाएगा। मतलब तीन स्तर हमने कहे कि बुध और गुरु यदि 2, 5, 8, 11 स्थान में होंगे, या फिर बुध गुरु की युति यदि केंद्र कोण स्थान में होगी, मतलब प्रथम, चतुर्थ, सप्तम और दशम, पंचम और नवम इन स्थान में यदि बुध गुरु की युति होगी तो यह जो कुंडली है इसका जो आर्थिक स्तर है वो काफी अच्छा हो जाएगा। इसी प्रकार तीसरा जो टर्म आता है जिसे हम राजयोग कारक कुंडली कहते हैं, तो यहाँ पर राजयोग कारक ग्रह कौन सा है वो भी जान लेना आवश्यक है। वृषभ लग्न के लिए या फिर शुक्र के जो भी लग्न है, वृषभ लग्न या फिर तुला लग्न, इसके लिए शनि जो ग्रह है वह सबसे महत्वपूर्ण ग्रह माना जाता है, जिसे हम राजयोग कारक ग्रह कहते हैं। हालांकि कई दफा हमारे मन में यही मिसकंसेप्शन होता है कि शनि जो ग्रह है वो पाप ग्रह है, शनि ग्रह जो अच्छा नहीं है, क्योंकि शनि के 7.5 में बहुत जो लोग हैं वो अलग प्रकार के अनुभव लेते हैं। तो लेकिन इस लग्न के लिए, मतलब शुक्र के लग्न के लिए या फिर वृषभ लग्न के लिए, जो शनि जो है वो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाता है। इसे राजयोग कारक ग्रह भी कहते हैं क्योंकि यह भाग्य और दशम स्थान का अधिपति होता है। महत्वपूर्ण केंद्र और कोण स्थान के अधिपति होने के कारण शनि जो ग्रह है, शनि ग्रह सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। अब ये जो शनि ग्रह है, ये शनि ग्रह यदि आपके प्रथम, द्वितीय, चतुर्थ, पंचम, भाग्य, दशम इन स्थान में होगा या फिर लाभ स्थान में भी होगा, तो भी वो जो कुंडली है वो बहुत ही ज्यादा शुभ फलदायी मानी जाएगी, बहुत ही ज्यादा, जिसे हम राजयोग कारक कुंडली कहते हैं। तो केंद्र और कोण स्थान में यदि शनि जो है वो आपके प्लेस होगा, मतलब 1, 4, 7, 10 या फिर 5 और 9 स्थान में, तो ऐसी जो कुंडली है उसे राजयोग कारक कुंडली कहते हैं। अब यहाँ पर यह जो शनि है वो कौन से राशि में है, चतुर राशि में है, मित्र राशि में है, इससे ज्यादा उसकी जो प्लेसमेंट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, मतलब कौन से स्थान में वो जो शनि है वो विराजमान है वो सबसे महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जैसे हमने कहा कि जो स्तर है कुंडली में आर्थिक स्तर वो काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं कि कौन से जो ग्रह उसकी जो प्लेसमेंट है वो किस प्रकार की है। अब इस शनि के साथ यदि गुरु और बुध भी होगा, मतलब शनि बुध की युति, शनि गुरु की युति, शनि बुध की युति भी यदि आपके केंद्र या फिर कोण स्थान में होगी तो जो आर्थिक स्तर है वो काफी अच्छा माना जाएगा। उसी प्रकार शनि और गुरु की युति होगी तो भी अच्छा माना जाएगा। हालांकि शनि गुरु की युति आपको नॉर्मली संतान सुख में थोड़ी प्रॉब्लम दे सकती है, लेकिन हम जो चर्चा कर रहे हैं वो आर्थिक स्तर के मामले में, तो बुध और शनि और गुरु की युति भी आपके लिए काफी ज्यादा शुभ फलदायी साबित होगी। बुध और शनि की युति भी राजयोग कारक कहलाएगी। उसी प्रकार अब यहाँ पर जैसे हमने देखा कि जो आर्थिक स्तर है वो किस तरह से नापा जा सकता है, या फिर आर्थिक जो स्तर है वो आप किस तरह से देख सकते हो। अब यहाँ पर दूसरी जो बात है, यदि आपकी कुंडली में आर्थिक स्तर अच्छा है, बहुत अच्छा है, या फिर अब हमने
जो भी योग आपको कहे वे यदि आपके कुंडली में हो गया। लेकिन इससे भी थोड़ा सा महत्वपूर्ण दूसरा एक योग होता है जो कि लग्नेश। यदि आपके कुंडली में लग्नेश काफी अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी हेल्थ अच्छी है, अभी अगर आपका स्वास्थ्य अच्छा है, तो ही आपके आप जो सभी जो बातें हैं, मतलब आर्थिक स्तर या फिर जो जो भी भोग आपको लेने हैं वो आप ले सकते हो। नहीं तो होता क्या है कि आपका आपका जो स्वास्थ्य है वो ठीक नहीं है, लेकिन आपके पास पैसा तो बहुत है, धन बहुत है, लेकिन उसका उपभोग आप नहीं ले पाते, तो उसका भी कोई मजा नहीं है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप कुंडली के बारे में देखो, सबसे महत्वपूर्ण होता है लग्नेश, कि आपका जो लग्नेश है वो किस प्रकार का है, या फिर आपका जो स्वास्थ्य है वो किस प्रकार का है। तो आपके कुंडली में, मतलब वृषभ लग्न की कुंडली में, दो सबसे महत्वपूर्ण ग्रह कहलाते हैं, जो कि शुक्र और जो गुरु है वो सबसे महत्वपूर्ण है। यदि आपके कुंडली में शुक्र और गुरु काफी अच्छे तरीके से प्लेसमेंट उसकी अच्छी है, उसी प्रकार बुध गुरु और शनि, ये जो तीन ग्रह है जैसे मैंने अभी आपको कहा, वो यदि आपके कुंडली में काफी अच्छे हैं, तो आपकी कुंडली के लिए जो आर्थिक स्तर है आपका आपके कुंडली का, वो बहुत ही अच्छा माना जाएगा, किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम नहीं आएंगे। राजयोग कार्य कुंडली में मैं यही आपको कहना चाहूंगा कि ऐसे बहुत सी कुंडलियां हमने देखी है कि वो जो जातक होता है उसमें नॉर्मली देखा जाता है, मतलब नॉर्मली मतलब हमेशा नहीं, कई दफा ऐसे देखा जाता है, वो जो जातक होता है वो खुद से ऐसे कोई कमाई नहीं कर पाता, लेकिन लक फैक्टर उसका इस तरह से होता है कि उसके लिए जो बातें हैं काफी इजी होते हैं। उदाहरण के तौर पर यह कहना चाहूंगा, ऐसे एक कुंडली है जहां पर जो लड़का है वो कुछ नहीं करता, लेकिन उसकी जो बीवी है उसके कारण वो जो लड़का है जीवन में बहुत आगे बढ़ चुका है, या फिर राजयोग कारक जिसे कहते हैं, उस प्रकार के सभी सुख जो है वो उपभोग उसका ले रहा है। तो उसी प्रकार अगर आपके कुंडली में राजयोग कारक ग्रह या फिर 2, 5, 8, 11 स्थान की जो अधिपति है उनका अगर मेल आपके कुंडली में अच्छा होगा, तो आपके लिए आर्थिक स्तर के बारे में किसी भी प्रकार के प्रॉब्लम कभी नहीं आएंगे। ये बात काफी महत्वपूर्ण है। और एक छोटी बात मैं कहना चाहूंगा कि यदि आपके कुंडली में बुध गुरु या फिर शनि अच्छा है, और उन्हीं ग्रहों की दशा यदि आपको मिलती है, महादशा या फिर अंतरदशा, खास करके अगर महादशा मिलती है, तो आपके कुंडली का जो राइज है, जो ग्रोथ है, वो काफी अच्छा देखा जाएगा। तो आप भी चेक कर सकते हो, आप भी वह देख सकते हो कि आपके कुंडली में आर्थिक स्तर जो है वृषभ लग्न के लिए वह किस प्रकार से हो सकता है। अब यहाँ पर एक बात मैं कहना चाहूंगा कि यह जो हमने बात की वो सिर्फ और सिर्फ आर्थिक स्तर के बारे में कही, मतलब इसके लिए आपका जो स्वास्थ्य है, स्वास्थ्य के बारे में भी देखना आवश्यक है, और दूसरी ज्यादा महत्वपूर्ण बात आपका जो वैवाहिक जीवन है, या फिर आपका जो सोशल लाइफ है, या फिर संतान सुख, यह जो बातें हैं इसमें हमने नहीं ली है, हमने सिर्फ आर्थिक स्तर के बारे में देखा है। तो आप भी चेक कर सकते हैं, आप भी देख सकते हैं, आपके जो कमेंट है वो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना, और अपना जो चैनल है ब्रह्मांड सिद्धि एस्ट्रो, इसे भी लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।